नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। जानी दुश्मन एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म जिसे बॉलीवुड में बनी बेहतरीन हॉरर फैंटेसी थ्रिलर फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म ने न केवल बेशुमार लोकप्रियता हासिल की अभी तो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार भी किया था। आज के इस कमाल के एपिसोड में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ओ चूड़ियां, हाथों में पहना के चूड़ियां। शंकर मूवीज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण एवं निर्देशन किया था राजकुमार कोहली ने। इस फिल्म के अलावा इन्होंने सन 1976 की नागिन, 1982 की बदले की आग, 1984 की राजतिलक, 1984 की ही जीने नहीं दूंगा, 1988 की 20 साल बाद और 2002 की जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी जैसी अन्य कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। फिल्म जानी दुश्मन की कहानी का आइडिया दिया था हकीम लता ने और इसका स्क्रीन प्ले लिखा था चरण दास शोक और जग्गी रामपाल ने। इस फिल्म में कई जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिले थे जिन्हें लिखा था इंदर राज आनंद ने। बात करें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर की तो वो थे बलदेव सिंह तथा इस फिल्म को एडिट किया था श्याम राजपूत ने। 2 घंटे 33 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 25 मई 1979 को। प्यार की मंजिल तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं और जग छोड़ना पड़ता है। इतना तो मेरा दिल भी जानता जरूर है कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य सहायक और मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद मेहरा, प्रेम नाथ, मदन पुरी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, जगदीप, रजा मुराद, पेंटल, मैकमोहन, रुपेश कुमार इत्यादि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कालजयी धुनों से सजे हुए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे जिनके बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने। फिल्म के इन 6 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल और शत्रुघ्न सिन्हा ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, अरे सुन भाई साधो, ऐसा वैसा न समझ सजना, ओ मेरी जान, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, चलो रे डोली उठाओ कहार इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जानी दुश्मन सन 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे पायदान पर थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1,30,00,000 रुपए और इसने भारत में कमाए थे 4.5 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने कुल 9 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म सुहाग, दूसरे स्थान पर थी फिल्म जानी दुश्मन और तीसरे स्थान पर थी फिल्म सरगम। फैक्ट नंबर 2, फिल्म जानी दुश्मन एक ऐसी काल्पनिक कहानी पर बनी थी जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं था और इसके लिए बकायदा फिल्म के शुरू में डिस्क्लेमर भी दिया गया था। परंतु इस फिल्म का प्रभाव कुछ ग्रामीण इलाकों में इतना पड़ा था कि उस वक्त लोग दुल्हनों की विदाई लाल जोड़ों में करने से कतराने लगे थे और इसके जगह पर गुलाबी या फिर नारंगी रंग के जोड़ों में विदाई करते थे। फैक्ट नंबर 3,
इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता चली, जिसमें कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि उन दिनों सिनेमा घरों के मालिकों ने इस फिल्म को लेकर एक इनामी योजना भी चलाई थी, जिसमें यह शर्त रखा गया था कि आपको यह फिल्म अकेले ही सिनेमा घरों में देखना पड़ेगा। जब इस बात को लेकर मैंने उस दौर के कुछ फिल्म समीक्षकों से बातें की तो उन्होंने इसे एक कोरी कल्पना बताया, लेकिन साथ ही एक बात यह भी जोड़ी कि ऐसी ही एक योजना सन 1984 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर के लिए लाई गई थी। हालांकि कई लोगों ने इस फिल्म को अकेले ही सिनेमाघरों में देखने की चुनौती भी स्वीकार कर ली थी, जिससे बाद में सिनेमाघरों के मालिकों ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था कि उन्होंने तो बस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए ये बातें कही थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म जानी दुश्मन की कहानी को लेकर सेंसर बोर्ड का रवैया बड़ा ही सख्त रहा था। उन्होंने इस फिल्म को यह कहते हुए पास करने से मना कर दिया था कि यह फिल्म समाज में अंधविश्वास फैलाएगी। नाराज राजकुमार कोहली ने इस बात को अदालत में चुनौती दी थी और जीत हासिल करके फिल्म को रिलीज करवाया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जानी दुश्मन की कहानी सन 1941 में आई द वुल्फमैन और सन 1961 में आई द कर्स ऑफ द वेयरवुल्फ से काफी हद तक प्रभावित थी। फिल्म जानी दुश्मन में ये भूत का जो कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं, इसे भी उन्हीं फिल्मों से प्रभावित होकर डिजाइन करवाया गया था। इस कॉस्ट्यूम को लेकर एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि इसे सन 2003 में आई कांति शाह की फिल्म प्यासा हैवान में भी उपयोग किया गया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म जानी दुश्मन में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ी ही दमदार भूमिका निभाई थी, जो कि थोड़ा नकारात्मक छवि लिए हुए था। यह भूमिका इन पर खूब जमी भी थी, क्योंकि इस प्रकार की भूमिकाओं के लिए उन दिनों सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित थे तो वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। इसी बात को ध्यान में रखकर जब राजकुमार कोहली ने इन्हें यह रोल ऑफर की तो इन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं करना चाहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा था कि इससे पहले भी वो कई मल्टी स्टारर फिल्मों को ना कह चुके हैं। अगर उन्हें यह पता चला कि मैंने वैसी ही कोई फिल्म की है तो उन्हें बुरा लगेगा, या फिर मजबूरन मुझे उनकी भी फिल्में करनी पड़ेंगी। हालांकि राजकुमार कोहली ने जब फिल्म की कहानी और इनका रोल सुनाया तो शत्रुघ्न सिन्हा इतने प्रभावित हुए कि तुरंत ही इस रोल को स्वीकार कर लिया। इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन वो पहली फिल्म बनी जिसमें राजकुमार कोहली और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ पहली बार काम किया था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी साल आई राजकुमार कोहली की फिल्म मुकाबला, सन 1984 में आई जीने नहीं दूंगा और 1987 में आई इंसानियत की दुश्मन सरीखी अन्य कई लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म का ऑफर लेकर जब राजकुमार कोहली संजीव कुमार से मिले तो शत्रुघ्न सिन्हा की ही तरह इन्होंने भी फिल्म को ना कह दिया, क्योंकि इन्हें फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार ऑफर किया जा रहा था जो तकरीबन 60-65 साल का बुजुर्ग है। दरअसल संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार की भूमिका में टाइपकास्ट हो जाए, क्योंकि इससे पहले वो सन 1975 की फिल्म शोले और मौसम तथा सन 1978 की फिल्म त्रिशूल में कुछ ऐसे ही उम्रदराज भूमिकाएं निभा चुके थे। खैर, राजकुमार कोहली ने इन्हें भी कहानी सुनाने की जिद की और जब इन्होंने कहानी सुनी तो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह फिल्म को तुरंत ही हाँ कर दिया। यहाँ आपको संजीव कुमार से ही जुड़ी हुई दो अन्य बातें भी बताता चलूं। दरअसल यह राजकुमार कोहली की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें संजीव कुमार ने काम किया था। इस फिल्म में संजीव कुमार भले ही एक उम्रदराज शख्स की भूमिका निभाई थी, पर निजी जीवन में फिल्म के मुख्य नायक सुनील दत्त से 9 वर्ष छोटे थे। फैक्ट नंबर 8, फिल्म जानी दुश्मन अमरीश पुरी की शुरुआती दिनों की कुछ फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी पर बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म के इस दृश्य में आप जरा गौर से देखें। इस वक्त अमरीश पुरी के हाथों में एक किताब नजर आ रहा है। दरअसल यह किताब मशहूर पब्लिशर्स पैन बुक्स के द्वारा प्रकाशित हॉरर स्टोरीज का कलेक्शन है। इसका नाम है द 6th पैन बुक ऑफ हॉरर स्टोरीज। कहानियों के इस कलेक्शन को संग्रहित और संपादित किया था हर्बर्ट वैन थल ने। यह किताब इस सीरीज की 6वीं किताब थी और सन 1989 तक इस सीरीज में कुल 30 किताबें आ चुकी हैं। फैक्ट नंबर 9, सन 2002 में अपने बेटे के डूबते हुए कैरियर को बचाने के लिए राजकुमार कोहली ने इसी नाम से एक अन्य फिल्म भी बनाई थी, जो कि सन 1976 में आई नागिन और इसी फिल्म की खिचड़ी थी। हालांकि इस फिल्म से भी इनके बेटे अरमान कोहली का कैरियर संतुलित नहीं हुआ था, अपितु इस फिल्म के बाद इनका कैरियर लगभग खत्म ही हो गया था।
फैक्ट नंबर 10। सन 1979 में आई जानी दुश्मन और 2002 में आई जानी दुश्मन दोनों ही फिल्में मल्टी स्टारर थी। इन दोनों ही फिल्मों में अपने दौर के नामी गिरामी कलाकारों को लिया गया था। खैर, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमरीश पुरी और रजा मुराद दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इन दोनों ही फिल्मों में काम किया था। सन 1979 की जानी दुश्मन में जहाँ अमरीश पुरी और रजा मुराद भूत बने हुए नजर आए थे, वहीं सन 2002 की जानी दुश्मन में अमरीश पुरी ने साधु और रजा मुराद ने एक पिता की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 11। यूं तो फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, पर इसके दो गाने चलो रे डोली और ओ मेरी जान कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुए थे। इन दोनों ही गानों को सन 1979 के बिनाका गीतमाला में भी शामिल किया गया था। हमारे बुजुर्ग दर्शक बिनाका गीतमाला को तो भली भांति जानते होंगे, पर युवा दर्शकों को बताता चलूं कि रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम अपने दौर के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक था। उस समय इसमें फिल्म के गाने शामिल हो जाना अपने आप में एक अवार्ड था। इस मशहूर रेडियो शो के अनाउंसर थे अमीन सयानी, जो कि अपने खास अंदाज में बहनों एवं भाइयों बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। बाद में यह कार्यक्रम बम्बई स्थित विविध भारती से प्रसारित होने लगा था। फैक्ट नंबर 12। फिल्म में विनोद मेहरा के द्वारा निभाई गई पागल और इंस्पेक्टर की भूमिका सर्वप्रथम ही मैन धर्मेंद्र साहब को ऑफर की गई थी, पर ये किसी कारणवश इस भूमिका को नहीं कर पाए। बाद में इन्होंने राजकुमार कोहली की लोकप्रिय फिल्मों सन 1983 की नौकर बीवी का, 1984 की राजतिलक और 1984 की ही जीने नहीं दूंगा इत्यादि फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र के अलावा मशहूर अभिनेता शशि कपूर को भी फिल्म में एक खास भूमिका ऑफर की गई थी, पर बाद में ये भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। फैक्ट नंबर 13। बात करें इस फिल्म के शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर आउटडोर शूटिंग जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में किया गया था। फिल्म में रेलवे स्टेशन के यह दृश्य जम्मू में ही स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन में फिल्माया गया था। फिल्म का यह दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहां पर बिंदिया गोस्वामी, नीतू सिंह और सारिका नदी के किनारे बात कर रही हैं। दरअसल यह दृश्य जम्मू के चेनानी शहर से गुजरने वाली तवी नदी के किनारे फिल्माया गया था। चेनानी शहर वो जगह है जहां से केवल 2 किलोमीटर पर भारत की सबसे लंबी रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल स्थित है। इस टनल की कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर की है। इसके अलावा फिल्म के इस दृश्य में सुनील दत्त के पीछे जो पहाड़ी नजर आ रही है, दरअसल यह जम्मू के पटनी टॉप में स्थित है। खैर, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि जम्मू क्षेत्र में फिल्म की आउटडोर शूटिंग होने के चलते इसका क्रेज वहाँ के स्थानीय लोगों में खूब था। जब ये फिल्म वहाँ के सिनेमा घरों में आई तो दर्शक टूट पड़े थे। परिणाम स्वरूप जम्मू क्षेत्र में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। फैक्ट नंबर 14। अमरीश पुरी के अलावा यह फिल्म मशहूर खलनायक व चरित्र अभिनेता शक्ति कपूर की भी शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में शक्ति कपूर ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो एक दुल्हन को घोड़े में उठाकर ले जाता है। इस फिल्म के प्रीमियर वाले दिन शक्ति कपूर भी अपने माता पिता को लेकर सिनेमा हॉल पहुंचे। उन दिनों शक्ति कपूर के पिता सिकंदर लाल कपूर एक जाने माने व्यवसायी हुआ करते थे। फिल्म में जब शक्ति कपूर का यह दृश्य आया तो सिकंदर लाल कपूर की भौंहें तन गई और उन्होंने गुस्से में फिल्म को वहीं छोड़ दिया और बाहर आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो, तुम्हारा लड़का यही कर रहा है बम्बई आकर, इसकी इस भूमिका को देखकर कोई इससे शादी करेगा? इस बात की पुष्टि स्वयं शक्ति कपूर ने भी कई बार किया है। फैक्ट नंबर 15। यूं तो फिल्म की कहानी और फिल्मांकन लाजवाब है, पर यह फिल्म एडिटिंग टेबल पर मार खा गई थी। दरअसल फिल्म को देखते वक्त आप यह साफ साफ महसूस करते हैं कि फिल्म की लंबाई को घटाने और कहानी की गति को बढ़ाने के लिए कई ऐसे दृश्यों को काट दिया गया है जो कि अति आवश्यक थे। जैसे कि अमरीश पुरी फिल्म के शुरुआती दृश्य में अचानक से ही एक दुल्हन का रेप करते हुए दिखते हैं, जबकि ठीक इसी दृश्य से पहले एक अन्य दुल्हा दुल्हन रजा मुराद की आत्मा से बचकर भाग रहे होते हैं। अब ऐसे में अमरीश पुरी की एंट्री सिर्फ इसलिए करवाई गई ताकि रजा मुराद की आत्मा उनके अंदर जा सके। अमरीश पुरी को फिल्म में दो दो बार मरते हुए दिखाया जाता है। एक बार ट्रेन वाले दृश्य के बाद
पुलिस स्टेशन में उनकी लाश दिखती है, जबकि एक बार युवा संजीव कुमार और योगिता बाली पर हमला करने के तुरंत बाद ही अमरीश पुरी की मृत्यु हो जाती है। फिल्म में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार की एंट्री भी ऐसी दिखाई गई है जो कि गले से नहीं उतरती। हद तो तब हो जाती है जब रीना रॉय की एंट्री एक पुरुष वेश में होती है, जिसकी कहानी में कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, इनका लड़का बनना तब सार्थक माना जाता जब इसके पीछे की सारी बातें साफ की जाती। इसके अलावा फिल्म में छोटी छोटी कई गलतियां रह गई हैं जो बरबस आपका ध्यान खींच लेती हैं। खैर, मेरा यहाँ तनिक भी यह उद्देश्य नहीं है कि फिल्म की लोकप्रियता पर सवाल खड़ा किया जाए। तो ये थी सन 1979 में आई सुपरहिट हॉरर फैंटेसी थ्रिलर फिल्म जानी दुश्मन पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।